हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ हुआ। बता दें कि राज्य की जनता गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के बाद अब गौमूत्र बेचकर अपनी आय बढ़ाएंगे। दरअसल स्व सहायता समूह की महिला गौमूत्र से उत्पाद तैयार करेंगी, जिसके बाद उसका उचित मूल्य तैयार किया जाएगा, जिसे लेकर रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने पशुपालन विभाग के डायरेक्टर चंदन त्रिपाठी से खास बातचीत की। विकास के डायरेक्टर चंदन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज गौमूत्र खरीदी करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, किस तरह से उत्पाद बनाया जा रहा है और कीटनाशक तैयार किया जा रहा है, किस तरह से? गौमूत्र खरीदने का आज शुभारंभ जरूर किया जा रहा है, और जैसा सभी को पता है कि आज हरेली का त्यौहार है, छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और एक तरीके से एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम कृषि के प्रति और कृषि में उपयोग होने वाले समस्त वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम और अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, क्योंकि इसी कृषि के माध्यम से आज सभी का पेट भरता है। तो ये थी डायरेक्टर मैडम, इन्होंने जैसा कि जानकारी दिया है कि गौमूत्र आज से छत्तीसगढ़ सरकार खरीदी करी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार आने के बाद जो है गोबर खरीदी 2 रुपये में खरीदी की, उसके बाद आज से आज गौमूत्र 4 रुपये प्रति लीटर के दर से खरीदी की जा रही है। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में गोबर और गौमूत्र की जो मोल नहीं था, आज भूपेश सरकार के आने के बाद इस पर मोल लोगों को, स्व सहायता समूह को माध्यम से, आम जनता को, किसानों को आज गोबर से और गौमूत्र के माध्यम से आय मिलेगा। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ वासियों को इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज़, रायपुर।